नमस्कार, एक और इंटीग्रेशन है। आपको पता तो होगा कि ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाइक्वाड्रेटिक हो तो क्या करना होता है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, तो वही अप्रोच यहाँ फिर से अप्लाई करते हैं। तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वन बनेगा प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट प्लस नाइन बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर नॉर्मली डेरिवेटिव बनता है तो 1 प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, 1 होगा x का डेरिवेटिव, 1 अपॉन x स्क्वायर है दैट मींस माइनस 3 अपॉन x रहा होगा, दैट मींस इसे अगर t माने तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, इसको t माना है तो ये तो डेरिवेटिव आना निश्चित ही है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस 3 बाई x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। मोरओवर इसे रिप्लेस भी तो करना है, तो इसका स्क्वायर जो कि आपको नीचे दिखेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो माइनस सिक्स, ठीक है, ये तो टी स्क्वायर के वैल्यू है, ठीक है। अब ऊपर तो हमारे पास सिंपल डी टी बन गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह हम टी स्क्वायर प्लस सिक्स रख सकते हैं और एक एक्स्ट्रा एट है तो टी स्क्वायर प्लस फोर्टीन हो जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस सिक्स तो इसके जगह आया और एक एक्स्ट्रा एट था तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वन बाई ए, ये ए स्क्वायर मतलब रूट फोर्टीन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप इसे, टेन इनवर्स एक्स बाई ए तो टी यहां पे क्या है, यहां पे है x माइनस थ्री बाय एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय रूट फोर्टीन एक्स, यही तो हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और x नीचे चले गया, ठीक है, बस हो गया। तो यही था प्रॉब्लम, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम, देखो कितना आसानी से हमने कर लिया एक दो स्टेप में। शुरुआत जब आप कर रहे होते हैं तो ये सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब तो समझ में आ गया कि अच्छा ये एडजस्टमेंट करने का, नॉर्मली डेरिवेटिव ऊपर होता है नीचे एडजस्ट करना पड़ता है, तो नीचे हमने एडजस्ट कर लिया और जैसे ही किया वो बहुत आसान प्रॉब्लम। अब ये बड़े प्रॉब्लम का हिस्सा आप देखेंगे, बड़े प्रॉब्लम में ये छोटा सा सेक्शन सॉल्व करने के बाद आएगा और फिर आप इसे प्रोसीड करेंगे। शुरुआत में लगता है कि ये लेंथी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ये सब प्रॉब्लम्स आपके लिए छोटे होते जाते हैं। हाँ, यही हो सकता था लास्ट में कोई और टाइप आया तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें एक दो स्टेप और ज्यादा लग जाता, और कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही होता।